शक्तिपीठ पूर्णागिरि में 1,60,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उपजिलाधिकारी ने भी किया कन्या पूजन। आपको बता दें, शारदीय नवरात्रि की नवमी को टनकपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, 26 सितंबर पहली नवरात्रि से ही दूर दराज अन्य राज्यों से शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया था, जिसके चलते आज आखिरी नवरात्रि की धूम टनकपुर में भी देखने को मिली, जहां भक्तों ने अपनी निजी आवास में कन्या पूजन किया। इसी क्रम में तहसील पूर्णागिरि उपजिलाधिकारी हिमांशु कपलटिया ने अपने आवास पर कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को भोजन करवाया। वहीं भारत नेपाल बोर्ड पर भी CISF जवानों और NPC बनबसा की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया। वहीं पूर्णागिरि तहसील उपजिलाधिकारी हिमांशु कपलटिया ने बताया, टनकपुर में पहली नवरात्रि से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पूर्णागिरि दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं आंकड़ों के अनुसार अभी तक करीब 1,60,000 श्रद्धालु पूर्णागिरि के दर्शन कर चुके हैं। अभी श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू है। वहीं टनकपुर में शारदीय नवरात्रि की नवमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जैसे हमने पूर्णागिरि मतलब पहले भी धाम लगाया था, मासिक धाम कहते हैं, मतलब भंडारा लगाया था, तो ऐसे हम लोग करते रहते हैं। जो हमारे घर लोग आते हैं पूर्णागिरि से, आपका इधर ब्रह्मदेव तो जाते हैं, उनके लिए हम ये भी लगाते हैं, मेडिकल कैंप भी हम लोग लगाते हैं उनके लिए। पिछले साल भी हमने जब अभी मार्च से लेकर जून तक हम लोगों ने किया था, करीब में से 8,000 श्रद्धालु लोग उससे लबंधित भी हुए थे हमारे मेडिकल कैंप। और अभी हमारा विचार है कि अभी हम 2-3 दिन में और मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, ताकि जो श्रद्धालु जिनको फर्स्ट एज पर वो उनको भेज पाए। वर्तमान में शारदीय नवरात्रि की आज नवमी है और इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु माता पूर्णागिरि के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। जो हमारा लगभग हमारे पास जो आंकड़ा है उसके अनुसार करीब 1,60,000 के आसपास जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अभी तक मंदिर में दर्शन किए हैं। और चूंकि इस बार जैसे ही हमारा पूर्णागिरि में जो ये शारदीय नवरात्रि होती है, उससे पहले आपदा आई थी जिसकी वजह से कुछ कम श्रद्धालु शुरू में आए थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं की काफी संख्या यहाँ पर आ रही है। चंपावत से लक्ष्मण बीस्ट की रिपोर्ट।